हेलो भाइयों, मेरा नाम है यंशु। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। ये आज हमारे सामने खड़ी है ब्रेजा VXI 2023। इसके साथ हमें कुछ ऐसी चाबी देखने के लिए मिल जाती है। अब भाई, इसके मैं आपको कुछ हिडन फीचर्स वगैरह बताने वाला हूँ, तो आप ना ध्यान से सुनिए, वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करना भाई, क्योंकि बहुत ज़रूरी वीडियो है। अगर आपको इसके हिडन फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स इस चाबी के जानने हैं तो ये काफ़ी बेहद बढ़िया चाबी है। ये मैंने कुछ ऐसी सी चाबी मिलती है, ये लॉक अनलॉक, और ये आपको पीछे सुजुकी का लोगो मिल जाता है। अब भाई, इस वाली जो चाबी आती है ना ये VXI वेरिएंट में मारुति सुजुकी, वही अपनी 2009-10 से ये वाली चाबी देती है ऐसी। तो इस वाली चाबी में ना RFID चिप आती है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी लगी होती है और ये आपकी चाबी में भी लगी होती है। जैसे अब मैं इसके टिप्स एंड ट्रिक्स मतलब फीचर्स से शुरुआत करता हूँ, तो भाई पहला फीचर मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, जैसे आपको अगर कहीं रात को जाना है या सुबह को जल्दी कहीं जाना है और घर वालों को बिना बताए जाना है ना, तो ये बेहद ज़रूरी फीचर है भाई। जैसे इसमें ये टू की साउंड आती है ना, बीप की साउंड जो आती है, ये आपको आवाज़ कैसे बंद करनी है तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ आज। अब ये देखो भाई, ये दोनों जो अनलॉक और अनलॉक के बटन है ना, इन दोनों को आपको साथ में एक बार दबाना पड़ेगा। ये मैंने दबा दिया। अब जैसे मैं गाड़ी को अनलॉक करता हूँ ना, तो ये देखो भाई, कोई साउंड नहीं आएगी। अरे एक मिनट, ये दबे ही नहीं होंगे बटन, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये ना आपको दोनों को बटन को एक साथ दबाना पड़ेगा। अब देखते हैं ट्राई करके। हाँ, अब ये हो गया। अब ये ना सिर्फ ये वाला जो साउंड का मतलब बीप का ऑप्शन जो है बंद होने का, सिर्फ और सिर्फ एक बार है। अगर आपको फिर से करनी है ना, जैसे अब मैं फिर से लॉक करूँगा तो अपने आप ही साउंड आने लगेगी। देखो भाई, ये ना सिर्फ वैलिड एक बार के लिए है। अब मैं जैसे फिर से करता हूँ, दोनों बार बटन दबाता हूँ, ये दबा दिए। अब मैं अनलॉक करता हूँ, तो देखो भाई कोई साउंड नहीं है। अब दोबारा मैं दबाता हूँ, अब दोबारा फिर से लॉक करता हूँ, कोई साउंड नहीं है भाई। तो ये वाला जो फीचर है ना, वो सिर्फ आपका एक बार के लिए वैलिड है। अब भाई दूसरे फीचर की तरफ आते हैं। तो जैसे आपकी गाड़ी कहीं पार्किंग वगैरह में खड़ी है और आपको मिल नहीं रही, मतलब ढूंढते ढूंढते टाइम हो गया, ऐसे जैसे आप देख रहे हो, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई कैसे ढूंढो वो लंबी चौड़ी पार्किंग है, तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। आप इस गाड़ी से ना आपका जो साइरन है वो आप इनेबल कर सकते हो। ऐसे जैसे ये दोनों बटन है, इन दोनों को आप साथ में दबाओ, करीबन होल्ड करके रखो 5 सेकंड तक, तो ये इसका जो साइरन है वो इनेबल हो जाएगा। अब देखना भाई, मैं दबाता हूँ ये दोनों बटनों को एक साथ, ये देखो, ये भाई ऐसे से इसका साइरन इनेबल हो जाता है। काफ़ी लाउड आवाज़ है इसकी। अब जैसे मैं बंद करता हूँ, देखो भाई, अब ये बंद हो गया। तो भाई ये मुझे काफ़ी यूज़फुल फीचर लगा इसका एक। और मैं अब आपको तीसरा फीचर बताता हूँ गाड़ी के अंदर बैठ के। ये गाड़ी खोल लेते हैं, अब मैं आपको इसका तीसरा फीचर बताता हूँ। अब भाई जैसे आजकल चोर छक्के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना, तो अगर आपकी गाड़ी की दूसरी चाबी बनाने की सोचें, तो भाई ऐसा पॉसिबल बिल्कुल है। दूसरी चाबी तो चोर बना लेंगे, लेकिन भाई दूसरी चाबी से गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पर की का मतलब की की वार्निंग लाइट आती है। अगर वो लाइट जली रह जाती है, ये देखो ये की की वार्निंग लाइट आ रही है भाई। अगर ये की वार्निंग लाइट जली रह जाती है, तो भाई आपकी चाबी में कुछ दिक्कत है। मतलब आपकी जो चाबी है ना, वो यहाँ तक तो पहुँच जाएगी, यहाँ से लगने के बाद ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, लेकिन भाई स्टार्ट नहीं होने की आपकी गाड़ी, आप अगर दूसरी चाबी बना लेते हो तो ये काफ़ी एक बढ़िया फीचर लगा मुझे भाई। और मैं आपको इसके फीचर और बताऊं तो आप जैसे एक इसमें डिफॉल्टेड ये आता है, मतलब आपको ना जैसे मैं अब अनलॉक लॉक करूं, तो ये मैंने अब लॉक कर दी, और जैसे मैं अनलॉक करूंगा ना, तो इसका ना मैंने इसमें सेटिंग कर रखी है, चारों डोर खुल जाते हैं। वो देखो, वो वाला डोर भी खुल गया, इसमें तो दिख नहीं रहा, वहाँ वाला जो डोर है वो भी खुल जाता है और सारे डोर खुल जाते हैं। इसमें मैंने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जाके सेटिंग कर रखी है। बाकी इसमें जो डिफॉल्टेड सेटिंग आती है ना, वो ऐसी सेटिंग आती है कि आप एक बार अनलॉक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड वाला डोर खुलेगा, बाकी कोई डोर नहीं खुलेंगे। तो इसमें मैंने एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जाके सेटिंग कर रखी है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ।
इसमें जाके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जाके यहाँ पे कोई यहाँ से इन दो बटनों से कोई सेटिंग वगैरह होती है, मेरे भाई ने ही करी थी, मुझे तो भाई पता नहीं मेरे भाई ने ही करी थी। तो ऐसे सेटिंग हो जाती है इसमें। और भाई एक और बेहद ज़रूरी फीचर मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, जैसे आप अपनी गाड़ी की चाबी अंदर भूल जाते हो ना, जैसे कई बार होता है हम गाड़ी से निकलते हैं और चाबी अपनी जैसे हमने यहाँ भूल जाते हैं, जैसे हमने यहाँ रख दी चाबी और भूल गए। अब जैसे हम गाड़ी को बंद भी करेंगे ना तो ये गाड़ी बंद नहीं होने की, ये देखो अब बंद कर दी ना तो ये गाड़ी बंद भी नहीं होने की। कई बार होता है भाई गाड़ी को मतलब हम इसमें से तो निकाल लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में से तो निकाल लेते हैं, पर लेकिन ऐसे जैसे बाहर निकले हम, कभी यहाँ रख दी, कभी कहीं रख दी, कभी कहीं रख दी, तो ऐसे भूल जाते हैं, तो वो ये गाड़ी बंद नहीं होने की। अगर जैसे आपने, और वैसे भी नहीं होने की, जैसे आपने चाबी निकाल भी ली ना फिर भी आप मैनुअली करोगे तो फिर भी बंद नहीं होने की। ये देखो भाई, वही आपको अगर रिमोट का फीचर दे रखा है ना तो वही रिमोट से ही बंद होगी। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, अब जैसे आपने अनलॉक करी, देखो अब ये कितनी साउंड आ रही है भाई, ये 3 या 4 बार बिली वो मतलब बीप की साउंड जो आ रही है वो 3 से 4 बार आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपका 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर ना किसी ने गाड़ी छेड़ी है, मतलब गाड़ी के अंदर या तो मतलब गाड़ी का जो सायरन एक्टिवेट हुआ है या किसी ने दूसरी चाबी लगाने की कोशिश करी है, इस चाबी से दूसरी चाबी लगाने की कोशिश करी है, तब ये बीप की साउंड जो है वो 4 बार आती है। देखो जैसे मैं अनलॉक करता हूँ और ये लॉक करता हूँ, मतलब अब तो 1 बार आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ 4 बार कब आती है। ये देखो ये अब 4 बार साउंड आने लगी, क्योंकि इसके साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी हुई है गाड़ी के साथ, इसलिए 4 बार साउंड आती है। बाकी भाई यही थी वीडियो गाड़ी की के बारे में, टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने इसमें बताई हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाकी भाई वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much.